धर्म चक्र। नमस्कार, धर्मचक्र में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुमकुम सिंह। धर्मचक्र में जानेंगे, न्याय के देवता को दी थी तपस्या ने सजा, तपस्वी ने सजा बताया शनि कोप से बचने का खास उपाय। जानिए कौन थे वो महातपस्वी जो शनि पर ही भारी पड़े और उनका बताया वो उपाय जो साढ़े साथी हो या फिर ढैया हर दशा पर शनि कोप से बचा देता है। साथ ही जानेंगे पीपल लाद शनि मंत्र स्रोत और रातों रात भाग्य संवारने वाला शनि मंत्र और पूजा विधि। इतना ही नहीं, आज हम आपको दर्शन कराएंगे पवित्र संगम गंगा यमुना और सरस्वती की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धर्म चक्र। धर्म चक्र। रातों रात भाग्य संवारने वाला शनि मंत्र और पूजा विधि के साथ सरसों के तेल के खास उपाय से कैसे घर में बढ़ती है खुशहाली, जानने के लिए चलते हैं पंडित वैभवनाथ शर्मा के पास। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं धर्म चक्र। आज मैं आपको बहुत बड़े रहस्य की बात बताने वाला हूं, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए, टीवी के सामने से हटिएगा नहीं। न्याय के देवता शनि देव को एक तपस्वी ने एक बार सजा दी थी, बताया था शनि कोप से बचने का ये उपाय जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। और ये जो उपाय है, इस मंत्र के बारे में कहते हैं कि इस मंत्र को प्रयोग करने से रातों रात भाग्य संवारने वाला यह शनि देवता का मंत्र है। और इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि कैसे सरसों के तेल का यह खास उपाय करने से घर में बढ़ती है खुशहाली और समृद्धि। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ व ज्योतिष की मान्यताएं उजागर करती हैं कि सूर्यपुत्र शनिदेव बुरे कर्मों के मुताबिक व्यक्ति को दंड देने वाले देवता हैं। इसी नजरिए से जीवन में बुरे कर्मों के कारण आने वाली मुसीबतों की घड़ी शनि की दशाएं भी मानी जाती हैं। इसीलिए इनमें शनि उपासना जाने अनजाने हुए कर्म दोष से मुक्ति, सदगति और शनि की प्रसन्नता के लिए बहुत ही मंगलकारी माना गया है। दंडाधिकारी शनिदेव के जगत के प्राणियों को अशुभ कर्मों के लिए सजा देने की यह बात तो कई धर्मावलंबी जानते हैं, लेकिन कई लोग ये नहीं जानते कि न्यायाधीश शनि को भी उल्टे एक महायोगी का दंड भुगतना पड़ा था। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने शनि दोष से बचने और शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए हम आम मनुष्यों को उपाय भी सुझाया था जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। महर्षि पिपलाद को खासकर शनि ग्रह की पीड़ा दूर करने के लिए स्मरण किया जाता है। भविष्य पुराण में उनका पिपलाद नाम प्रसिद्ध होने और तपोबली व सिद्ध मुनि पिपलाद द्वारा शनि पीड़ा से रक्षा के लिए रचे गए शनि स्त्रोत से जुड़ी उनके बचपन का एक रोचक प्रसंग जो है वह हमें प्राप्त होता है। उनके द्वारा रचा गया अचूक शनि मंत्र स्त्रोत शनि की साढ़े साथी, शनि की अशुभ दशा में खासतौर पर महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और शनि की ढैया या शनि के साढ़े साथी के प्रभाव से, बुरे प्रभाव से रक्षा करने वाला माना गया है। तो आज जानेंगे इस रोचक प्रसंग के साथ उनके द्वारा रचा गया यह शनि स्त्रोत व पूजा का आसान उपाय। पौराणिक प्रसंग के अनुसार त्रेता युग में भयानक एक बार अकाल पड़ गया। कौशिक मुनि अपनी पत्नी, अपने बच्चों, पुत्रों के साथ अपने स्थान को छोड़कर के दूसरे स्थान में बसने के लिए चल निकले। फिर भी परिवार का पालन पोषण मुश्किल होने से उन्होंने अपने एक पुत्र को बीच रास्ते में ही छोड़ दिया। भूखे प्यासे बालक ने एक पीपल के वृक्ष के नीचे शरण ले ली। वह रोज उसी पीपल के पत्ते खा करके और जल पान करके, यानी पत्ते खाता था और पानी पी करके घोर तप वहीं पीपल के वृक्ष के नीचे करने लगा। इस वजह से आगे चल करके उस बालक का नाम पिपलाद प्रसिद्ध हुआ और एक समय में वह पिपलाद मुनि के नाम से जाने जाने लगे। एक दिन वहां से गुजरते हुए नारद मुनि ने बालक को देखा। उसकी हालत देख करके देवर्षि नारद ने उन्हें वेदों का ज्ञान कराया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उपदेश दिया। इन मंत्रों के जप से उस बालक पर भगवान विष्णु भी प्रसन्न हुए।
एक बार बालक के पूछने पर नारद जी ने बताया कि उसकी इतनी कम उम्र में परिवार बिखरने और कष्ट उठाने की जो पीड़ा है, ग्रह पीड़ा के कारण ये स्थिति आई है, जो खास तौर पर शनि ग्रह के कारण उनको प्राप्त हो रही है। यह सुनकर के महायोगी व महातपस्वी बालक पिप्लाद ने शनि पर उग्र निगाह डाल दी। उनके योग बल को सहन न कर सकने से शनिदेव जो है वह स्वर्ग से सीधे जो है ब्रह्मलोक से आकर के जमीन पर गिर पड़े। माना जाता है कि जमीन पर गिरने से ही शनिदेव का पैर टूटा। शनिदेव को जो एक पैर से लंगड़ा बताते हैं, उसके पीछे इसी कथा का सार कहते हैं कि शायद इसी घटना के कारण शनिदेव का एक पैर जो है वह नष्ट हो गया। तब नारद जी सहित सारे देवताओं ने वहां आकर के बालक पिप्लाद को मनाया और शनि देव को दुर्गति से बचाया छुड़ाया। साथ ही ये वर भी दिया कि जो भी पिप्लाद नाम का स्मरण भी कर लेगा उन्हें शनि देव की पीड़ा नहीं सताएगी। यही नहीं, देवताओं के आग्रह पर पिप्लाद मुनि ने शनि से रक्षा को अचूक शनि मंत्र स्त्रोत्र रचा, जो आज भी पिप्लाद शनि स्त्रोत मंत्र स्त्रोत के तौर पर जाना जाता है। हिंदू देव पूजा परंपरा में यह भी खास वजह है कि पीपल के नीचे शनि भक्ति शुभ फल दे करके अनहोनी से रक्षा करने वाली मानी जाती है और शनि दोष शांति का अचूक उपाय भी है। तो आइए जानते हैं मुनि पिप्लाद द्वारा रचित, जिसे पिप्लाद शनि मंत्र स्त्रोत कहते हैं, जो रातों रात भाग्य संवारने वाला शनि मंत्र व पूजा का एक बहुत सशक्त माध्यम माना जाता है। इसके साथ साथ आपको शनिदेव की पूजा विधि भी बताऊंगा। आपको करना यह है कि शनिवार को सुबह और शाम शनिदेव को स्नान के बाद तिल का तेल चढ़ा करके खासतौर पर काले रंग की पूजन सामग्रियों जिसमें गंध अक्षत के अलावा काले तिल, काले फूल, काले वस्त्र शामिल हों, ये आपको उन पर अर्पित करना चाहिए। तेल से बनी मिठाई या तेल से बने हुए भोग का पकवान का आपको भोग अर्पित करना है और जो मैं आपको शनि मंत्र स्त्रोत बता रहा हूँ इसका पाठ संकट पीड़ा मुक्ति व सुख समृद्धि की कामना से आपको करना चाहिए। यह मंत्र है या स्त्रोत इस प्रकार है, नमस्ते कोण संस्थय पिंगलाय नमोस्तुते, नमस्ते वभुरूपाय कृष्णाय च नमोस्तुते, नमस्ते रौद्र देहाय, नमस्ते चांतकाय च, नमस्ते यम संज्ञाय, नमस्ते सौरये विभो, नमस्ते यमद संज्ञाय शनैश्चर नमोस्तुते, प्रसादम कुरु देवेश दीनस्त प्रणतस्य च। इस मंत्र से, इस स्त्रोत से आपको शनिदेव की पूजा आराधना करनी चाहिए। अंत में शनिदेव की धूप व दीप से आप आरती करके जीवन में मन वचन व कर्म से हुई त्रुटियों की क्षमा मांग करके प्रसाद स्वयं ग्रहण करें और अपने परिजनों के साथ, इष्ट मित्रों के साथ इस प्रसाद को वितरण करके आपको ग्रहण करना चाहिए। तो ये तो रहा चमत्कारी, हम लोगों ने जाना पिप्लाद शनि मंत्र स्त्रोत, जो बहुत ही चमत्कारी प्रभाव देता है और बहुत ही दुर्लभ है, ये बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं है। ये आज हम लोगों ने आपको अपने कार्यक्रम के माध्यम से अपने दर्शकों को उपलब्ध कराया। इसके अलावा जानते हैं सरसों के तेल का यह खास उपाय, जिसे करने से घर में बढ़ती है खुशहाली। हिंदू धर्म परंपराओं में शनिवार का दिन धर्म के दृष्टिकोण से, धर्म धार्मिक नजरिए से बहुत ही शुभ दिन होता है। इस दिन हनुमान जी की पूजा के साथ साथ नवग्रहों की भी पूजा करते हैं, खासतौर पर शनिदेव की पूजा करते हैं। दरअसल यह दिन खासतौर पर सच और न्याय को मन कर्म व वचन में उतारने के संकल्पों की प्रेरणा देता है, क्योंकि यह दंडाधिकारी शनिदेव की उपासना का शुभ काल होता है, शुभ दिवस होता है। सही मायनों में ऐसे ही संकल्प दुख और कष्टों से छुटकारा देने व हित करने वाले होते हैं, चाहे फिर ये शनिदेव के लिए आस्था से या फिर उनके दंड के भय से ही क्यों ना किया जाए। भाग्य विधाता शनि के धर्म आस्था में यह भी है कि शनि कृपा से कोई भी इंसान किस्मत का धनी बन सकता है और विपरीत हालात में भी असंभव लगने वाली सफलता भी संभव हो जाती है। शास्त्रों में शनि की प्रसन्नता के लिए ही ऐसे उपाय व मंत्र बताए गए हैं जिनके प्रभाव से घर परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहती है, वहीं जीवन का कठिन दौर भी बहुत आसानी से कट जाता है। हमारे धर्मशास्त्रों में सरसों का तेल भी शनि देवता का, शनि का कारक माना जाता है, शनि देवता के प्रिय पदार्थों में से एक है। शनि कृपा के लिए ही सरसों के तेल का पूजा में उपाय करना भी मनोकामनाएं पूरी करके खुशहाल बनाने वाला आसान और बहुत ही करिश्माई साधन माना गया है। सरसों के तेल के बारे में कहते हैं कि एक बार हनुमान जी अपनी तपस्या में लीन थे, जब हनुमान जी अशक्त हो गए,
शनिदेव ने उन्हें छेड़ा और शनिदेव ने उन्हें युद्ध करने के लिए ललकारा, उनसे बार बार आग्रह किया कि आप मुझे युद्ध में हराइए और फिर उसके बाद मैं आपको मान जाऊंगा कि आप महाबली हैं। हनुमान जी अपनी साधना में लगे थे, राम नाम का जाप कर रहे थे, लेकिन जब वो परेशान हो गए तो उन्होंने अपनी पूंछ में लपेट करके शनिदेव को पहाड़ों में खूब टकरा टकरा करके उनकी लड़ाई खूब उनकी पिटाई की, जिससे शनिदेव का पूरा शरीर जो है लहूलुहान और चोटिल हो गया। और उसके ऊपर जब कोई भी व्यक्ति सरसों का तेल लगाता है तो ये एक दवा, एक मरहम की तरह काम करता है। तो इस प्रकार से शनिदेव को सरसों का तेल प्रिय है। जब कोई भी व्यक्ति शनिदेव के ऊपर सरसों का तेल चढ़ाता है तो उसके ऊपर शनिदेव की जो क्रूर दृष्टि होती है वह शांत हो जाती है। शनिदेव उन्हें आशीर्वाद देते हैं क्योंकि उनके रोग में उनके घाव को आपने ठीक करने का उपाय बताया। तो आइए जानते हैं इसी प्रकार से एक चमत्कारी सरसों के तेल का उपाय। आपको करना यह है कि शनिवार को आप स्नान ध्यान के पहले सरसों के तेल को अपने शरीर में लगा करके मालिश करें और उसके बाद स्नान करें, जिसे तैलाभ्यंग स्नान कहते हैं। इसके उपरांत आपको शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। इस पूजा में गंध अक्षत के साथ खासतौर पर नीले फूल व सरसों का तेल आप चढ़ाएं। सरसों के तेल से बने पकवानों का ही आपको प्रयोग करना चाहिए, वही भोग आप लगाइए। पूजा के दौरान जो मैं आपको शनि मंत्र बताता हूँ, इस मंत्र से शनि देव का ध्यान करें या फिर शनि देव को तेल चढ़ाते हुए इन मंत्रों को बोलते रहें या फिर रुद्राक्ष की माला पर अपनी पूजा उपरांत करने के बाद कम से कम 108 बार इन मंत्रों का आप जाप करें। पिपलाद शनि मंत्र स्त्रोत का जाप करना भी पूजा के दौरान आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। इसके अलावा जो अन्य शनि मंत्र है वह इस प्रकार है, ओम नमो भगवते शनैश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। इस शनि ध्यान मंत्र से भी शनि देव का सुख सौभाग्य की कामना से स्मरण करना चाहिए। यह मंत्र जो है वो बहुत चमत्कारी है। नीलांजलम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड सम्भूतम तम नमामि शनैश्चरम। पूजा व मंत्र जाप के बाद शनिदेव की आरती आप अवश्य करें, आरती करना न भूलें। आरती से ही आपकी पूजा संपूर्ण होती है। शनि से संबंधित वस्तुओं खासतौर पर काली उड़द, काले तिल, लोहे की सामग्री का यथाशक्ति दान करना किसी दरिद्र नारायण को आपको शनिदेव की कृपा दिलाएगा। तो ये जो एपिसोड था ये बहुत ही विशेष था। हमने शनि पूजा से जुड़े हुए विशेष उपाय जाने और खासतौर पर पिपलाद शनि मंत्र स्त्रोत आज मैंने आपको बताया, जो हमारे धर्मशास्त्रों में अब गुप्त सा हो गया है, बहुत ही दुर्लभ है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने इसे आपके सामने रखा। आशा करता हूँ इन मंत्रों और इन उपायों का प्रयोग करके आप जीवन में लाभ ले सकेंगे। इसी शुभकामना के साथ कि आपका जीवन सुखमय बना रहे, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद दर्शन कराएंगे पवित्र संगम गंगा यमुना और सरस्वती की। धर्म चक्र।